देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में भीषण गर्मी का पानी से लबालब रहने वाले बांधों पर भी दिखने लगा असर। कम हुआ जलस्तर, 460 बांध सूखे, सिर्फ 3 बांधों में बचा पानी। राजस्थान सरकार ने पिछली कांग्रेस की सरकार और हालिया भाजपा सरकार में अब तक हुई थर्ड ग्रेड टीचर्स की समस डिप्यूटेशन को समाप्त कर दिया। इस बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्ति या कार्य व्यवस्था के लिए थर्ड ग्रेड टीचर्स को दूसरे विभागों में लगाया जा रहा है। झलवाड़ के कालीसिंह थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट में तकनीकी खामी के कारण विद्युत उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। थर्मल प्रबंधन के अनुसार पहली यूनिट का फैन खराब हो गया, जिसके चलते आई तकनीकी खामी के कारण बीते 5 दिनों से विद्युत उत्पादन पूरी तरह ठप है। हालांकि टेक्नीशियंस की टीम मेंटेनेंस कार्य में जुटी है, लेकिन 600 मेगावाट की पहली यूनिट बंद हो जाने से भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट और भी गहरा गया है। हनुमानगढ़ जिले के 21 LLW जंडावली गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा ने बताया कि 21 LLW में दो पक्षों में काफी समय से जमीन विवाद चल रहा है और इसको लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और फायरिंग में एक व्यक्ति शाम की मौत हो गई, जिसके शव को जिला चिकित्सालय की मोचरी में रखवाया गया है। वही घटना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया है, वही मामले की जांच चल रही है। सुनिए प्यारेलाल मीणा ने क्या कुछ कहा। दो सांसी ग्रुप है जिनमें आपस में एक जमीन का विवाद चल रहा है। दो पक्ष है जिसमें एक पक्ष श्रीराम है, दूसरा पक्ष कृष्णाराम नजर आ रहे हैं। इसमें 3 आदमी श्रीराम पक्ष ने बुलाया, पानी पड़ाने के चक्कर में 3 आदमी लेबर बुलाए उन्होंने और वहाँ एक लेबर जो श्याम और श्यामा उसके फायरिंग हुई और एक गोली लगी, उसकी मौत हो गई। रात को उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है, स्पेशल टीम बुला ली गई थी और हम अनुसंधान है और अपनी पोस्टमार्टम कार्रवाई चालू की जाएगी और अनुसंधान जारी है हमारा। हनुमानगढ़ के मकसर गांव में लोक परिवहन सेवा बस ड्राइवर द्वारा एक साइकिल सवार को कुचलने से हुई मौत के बाद बवाल मच गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप है कि लोक परिवहन सेवा बस ड्राइवर बस को तेज गति से चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और आज दुर्घटना के बाद जंक्शन पुलिस को सूचना दी गई, मगर जंक्शन पुलिस 1 घंटे देरी से पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर जाम लगाकर बस को आग के हवाले कर दिया। सुनिए हनुमानगढ़ जिला परिषद मनीष मकसर ने क्या कुछ कहा। एक किसान की दर्दनाक मौत हुई बस दुर्घटना की वजह। लोक परिवहन की बस है, अपर लोक माली जान को काम करे। आज एक किसान मेरे साथ ही है जो खेत आना करे, आज आप बात करा भी मोटरसाइकिल या कारों को आवे क्योंकि जब वो स्पीड बहुत थी सो भी कमियां निकालो। आ साइकिल में किसान जब आपके घर की तरफ आना आ रहे हो साइकिल पर कितनी स्पीड वो कर सके। बस वाला स्पीड हुई थी ओवर स्पीड ही बिंगी की अठा अंति डिवाइड ऊपर टक्कर मारी और वो ऑन द स्पॉट मोर वाइड खत्म हो गयो। सारों बड़ी दुख की बात है कि आज 6-7 महीने पहले मेरे गांव की एक नौजवान बेटी और बिंगा पिता है जिसका दोनों बेचारा मोटरसाइकिल के ऊपर आपकी बच्ची ने स्कूल कॉलेज छोड़ के जाना रहे हो, पीछे आई बस है ये टक्कर मारी दोनों माँ और बाप और बेटी की अठा ऑन द स्पॉट मौका पर बांगी डेथ होगी। तो हमारे गाँव वास्ते तो आज सड़क एक बड़ी लोगों वास्ते सुविधा होनी है, पर हमारा मक्का सर वास्ते तो एक कलंक बन गई रोड है जिसकी जितनी रोड अच्छी बने बीती ज्यादा साधारण स्पीड बढ़ गई। ये बस वाला है जिसका मक्का सर गाँव का लोग है एक में तय कर ली भी जिसकी लोक परिवहन बस है अब मक्का सर गाँव का मा खराब में आज के बाद में कौन निकलेगा। राजस्थान में पिछले 3 दिनों में हीट स्ट्रोक से हुई मौत की राजस्थान सरकार ने आधिकारिक पुष्टि कर दी। राजस्थान सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर क्रोहिलाल मीणा ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में हीट स्ट्रोक से 12 लोगों की मौत हुई है। मंत्री ने इन सभी लोगों के परिवार को राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। कोर्ट ने विवक कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 28 मई को विवक कुमार को दोबारा कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 4 दिन की ही न्यायिक हिरासत की मांग की। लोकसभा चुनाव के 6 चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान 25 मई को होना है। जिन 7 राज्यों में चुनाव होना है उसमें बिहार, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को प्रतिभूत हुए कुल मतों की जानकारी प्रकाशित करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। बता दें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें चुनाव आयोग को प्रत्येक बूथ पर हुए कुल मतों की जानकारी देने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि हम इस स्टेज पर कोई रिलीफ नहीं दे सकते। एडीआर ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि 48 घंटों के भीतर फाइनल डाटा वोटिंग फीसदी पब्लिक होनी चाहिए। हिमाचल के मंडी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी है। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुट जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल फिर एक बार मोदी की सरकार और 400 पार से हैट्रिक बनाने जा रहा है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।